नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और गुरुवार का दिन यानी कि एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजारों में आज अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। अंकों के लिहाज से तो आप कह सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली। कुछ नंबर से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो करीब करीब 1.5% के आसपास का फॉल आज मार्केट्स ने दिखाया है। करीब 7.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप BSE की आज ही के सत्र में सिर्फ वाइप आउट हुई है। ओवरऑल मार्केट कैप है BSE की, और आज ही के सेशन के मतलब इस महीने में अब तक मई के दौरान जो करीब 10 दिन बीते हैं, इन 10 दिनों में ही रफली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। तो ये कुछ नंबर्स थे आज के लिए। करीब करीब 3,900 शेयर जो ट्रेड हुए उनमें से 908 शेयर तेज़ी में थे। रफली 2,800-2,900 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। 40 शेयर ऐसे थे जो कि साल के निचले स्तरों पर पहुँचते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 350 शेयर ऐसे थे जिनमें लोअर सर्किट लगा। ए ग्रुप, बी ग्रुप, एम ग्रुप, XT ग्रुप और टी कैटेगरी ग्रुप में करीब करीब 120-130 शेयर ऐसे थे, 220-200 शेयर ऐसे थे जहां पे लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ नंबर जो कि आज मार्केट में होते हुए दिखाई पड़े ऑन अ रेड साइड, ऑन अ फियर साइड। अब दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग नंबर बता दूं कि आज का जो फॉल है ये पिछले 10 सालों में 106वां सबसे बड़ा फॉल है। सो मार्केट ने 106 इससे बड़े बड़े फॉल ऑलरेडी देखे हुए हैं, 105 इससे बड़े बड़े फॉल। सो 1.5% का फॉल था इंडेक्स के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो बहुत से सीवियर फॉल नहीं दिखेगा आपको। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बड़ा फॉल था। उसकी वजह एक ये भी समझ लीजिए कि बेस बड़ा है, सो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो ये फॉल सिर्फ 1.5% का था। अंकों के लिहाज से देखेंगे तो आप 1,000 अंकों के आसपास का गोता आज ही लगा गए। सो ये भी आप ध्यान रखिए कि 72,000 के इंडेक्स पर आप खड़े हैं, यानी कि अगर आप 1.5% आज के फॉल में देखेंगे तो आपको इसलिए 1,000 अंकों के आसपास दिख रहा है। लेकिन यही अगर बेस छोटा होता, 14,000 का निफ्टी होता और 15,000 का निफ्टी होता, या कहीं 10,000 का निफ्टी होता, तो 1.5% उस समय 1,500 पॉइंट होता। सो इस तरह के एक फॉल, माफ कीजिएगा, 150 अंकों के आसपास होता। सो इस तरह के बड़े फॉल्स मार्केट ने पहले भी देखे हैं, और मार्केट ऐसे फॉल्स देखता आया विद टाइम। सो नियर टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा था, वो वॉलेटिलिटी चल रही है। आज के लिए ही बाजार की वॉलेटिलिटी आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5% के आसपास है, और ये पूरा साल में भी जो वोलेटिलिटी गई है वो 1.5-2% की रेंज में ही रही है। पूरा एवरेज अगर वोलेटिलिटी देखेंगे पूरे 2024 में तो करीब करीब 1.5-2% के आसपास ही रही है। मार्केट ने अपनी एक्सट्रीम पीक पर 22% तक की वोलेटिलिटी भी देखी है। एवरेज वोलेटिलिटी अगर आप पिछले 10-11 साल की भी देखेंगे तो भी आपको 3% से 4% की मिली जाएगी एवरेज। तो इतनी वोलेटिलिटी मार्केट पहले देख चुका है, इतने फॉल मार्केट पहले देख चुका है। इस तरह के फॉल्स आते रहते हैं, बी चूजी, पिक अप द राइट स्टॉक अकॉर्डिंगली। कैश में जो प्रॉफिट टेकिंग की बात मैं इतने से कह रहा हूँ वो इसीलिए थी कि थोड़ा प्रॉफिट लेते चलिए, मौके आपको मिलेंगे। अब ये फॉल कहाँ तक रहेगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, देखिए चरणबद्ध तरीके से आप ऐसे समझिए कि फेजेस चल रहे हैं इलेक्शन के, और हर इलेक्शन के फेज़ के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। सो विद टाइम एक दो फेज़ और अभी जो क्रूशल फेजेज हैं वो निकल जाए, यानी कि 5वां फेज़ जब तक पूरा होगा शायद वहाँ पर मार्केट थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। सो तब तक रहेगा, यानी कि आप मान लीजिए मंगलवार अगला या बुधवार तक ये थोड़ी ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी, और उसके बाद चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, तो 4वां फेज़ उसके बाद निकल जाएगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी तो मार्केट नोज एवरीथिंग, लेट्स सी। आज के लिए जो कुछ और बड़े ट्रिगर में SBI का नंबर आया, नंबर बढ़िया था SBI के, प्रोविजनिंग का नंबर, NIM का नंबर भी बेटर साइड पर था, अच्छे नंबर SBI ने पोस्ट किए। एशियन पेंट के नंबर कमज़ोर आए थे, मतलब नंबर कमज़ोर नहीं थे लेकिन मार्जिन हिट हुए उनके, वॉल्यूम का नंबर अच्छा था। तो ऑब्वियसली बात है एशियन पेंट कर ये रहा है कि क्योंकि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है उनके सामने ग्रासिम, तो वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, मार्जिन को हिट ले रहा है। सो अभी स्ट्रीट इस चीज़ को लेकर स्केप्टिकल हो गए कि वो मार्जिन क्यों हिट ले रहा है, क्योंकि विद टाइम ग्रासिम आएगा और उसके लिए वो पहले से अपने वॉल्यूम को स्ट्रांगली रख कर चल रहे हैं, तो मार्जिन अगर थोड़ा हिट लेना ही पड़ जाए तो ले रहे हैं। तो नियर टर्म शायद ये एक उनको उनके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। बैंक की एडवाइजरी के ऊपर मुथूट और मन्नापुरम दोनों में आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। केमिकल स्पेस के सारे शेयर कमज़ोर आउटलुक पे टूटे। ऑटो आज थोड़ा फिर भी चला हुआ था, जिसमें टाटा मोटर नंबर से पहले चला था, M&M चला हुआ, हीरो मोटोकॉर्प TVS नंबर्स के बाद चला, सो यहाँ पर खरीदारी रही। तो IT से इन्फोसिस थोड़ा बहुत सपोर्टिव था, TCS ने कोशिश किया लेकिन हरे में नहीं आ पाया। देन रिलायंस का प्रेशर था, HDFC बैंक, कोटक, इन सब बैंक्स का प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। तो ओवरऑल एक वीक साइड पे मार्केट, हेविली वीक साइड पे आप कैश मार्केट के शेयर यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप और थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, फिर उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जब तक स्टेबल के साइन ना आए, जानकारी मान रहे हैं कि कोई भी तेज़ी
अगर मार्केट में चलती है तो उस तेजी में आप माल बेचने की कोशिश ही करिए, ज्यादा बेटर है। SKF के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद 8.5% चला आज, बढ़िया नंबर देखने को मिले, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, 2.5% का मार्जिन एक्सपेंशन था, सो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, इसलिए बाजार ने उसको पॉजिटिव दिया। विजय डायग्नोस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर थे, उन नंबर्स के बीच में स्टॉक चलता हुआ दिखाई पड़ा, यहाँ पर भी अच्छा एक्सपेंशन रहा। TVS मोटर नंबर ठीक थे, मतलब मार्जिन अच्छा आया, गाइडेंस मार्जिन की अच्छी थी, वैसे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, क्यों ऑन क्यों वीक थे, लेकिन मार्जिन गाइडेंस में शेयर चल गया। सो लाइकवाइज अलग अलग न्यूज़ फ्लो, अलग अलग ट्रिगर के दम पे शेयर चल रहे थे। वीक नंबर में LNT के नंबर थे, एंटिसिपेटेड था कि कितने भी अच्छे नंबर देते LNT टूटना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ था, ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा है। सो यही यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी होगा, ध्यान रखिएगा। सो 6% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो लाइकवाइज आप न्यूज़ फ्लो बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड, इवेंट बेस्ड खबरें प्लस बाजार की वीकनेस, ये सब मिलकर आज इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रही थी। अब सवाल जब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों पर भी। शेख साहब का सवाल है, सुमित सर 3350 के दाम पर 35 शेयर LNT के लिए हैं, ठीक है, बट समय देना पड़ेगा आपको इस शेयर में, ऐसा नहीं कि LNT एक ही दिन के अंदर रिवर्सल दिखा देगा और आज कल ही आपके भाव से ऊपर आ जाएगा, समय देंगे तो अच्छी कंपनी है, इट माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, तो आप समय देकर आराम से बने रह सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि थोड़ा एक बार में इतना आउट राइटली मत लीजिए, अगर आपकी एपेटाइट है तो थोड़ा थोड़े चंक्स में संभाल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी JSW एनर्जी, IRB, CMP, मैनकाइंड, तो सर JSW एनर्जी के दो नंबर्स आए थे आज ही, उनसे मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, कैपेसिटी एडिशन उनका अच्छा चल रहा है रिन्यूएबल स्पेस को लेकर, 3500 मेगावाट के आसपास का नया एक ऑर्डर FY24 में मिला था, FY25 में भी उनको लग रहा है कि एक अच्छी रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करेंगे, थर्मल पे भी काम कर रहे हैं। सो कंपनी ठीक है, थोड़ा चला हुआ ऐसे थोड़ा शेयर आपको कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, आज 5% नीचे था, आप एज ऑफ नाउ तो होल्ड करिए एंड वेट एंड वॉच। IRB के इसमें आप मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करिए एंड मैनकाइंड में स्टेबल होने का वेट करिए और थोड़ी सी इक्विटी ऑफलोडिंग की पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही हैं, सो वो ऑफलोडिंग की पॉसिबिलिटीज़ को एक बार देख लीजिए, उसके बाद कुछ भी कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। आज ही अभी थोड़े पहले किसी ने कुछ एक डिटेल भेजा था कि शायद बड़ी इक्विटी ऑफलोड हो सकती है, खास तौर से उन कंपनियों में जहाँ पे IPO आने वाले हैं। सो हाँ, उनके कुछ जो नाम है उसमें टाटा टेक है, आयरेडा है, सेलो वर्ल्ड है, होनासा है, आस्क ऑटोमोटिव है, इसाफ है, फ्लेयर राइटिंग है, गंधार ऑयल है, डोम्स और आइनॉक्स इंडिया है। इनकी अनलॉकिंग होगी शेयर्स की करीब करीब 27 मई से 20 जून के बीच में अलग अलग स्टॉक्स की, तो इनमें जिनकी पोजीशन है वो इन चीज़ों को ध्यान रखे, थोड़ी थोड़ी इक्विटी यहाँ पर ऑफलोड होगी, यानी कि वो एंकर लॉकिंग पीरियड खत्म होगा तो उसकी इक्विटी का आएगा, तो इम्पैक्ट नियर टर्म में शायद देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। कहाँ गया। हाय सुमित सर नमस्ते, मैं लास्ट 1 ईयर से आपको फॉलो कर रहा हूँ, थैंक यू सर, रोज़ क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन लेते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पित्रोदा साहब, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में मिस हो जाता है। डाबर में 503 की बाइंग है, 100 शेयर, क्या करूँ, प्रॉफिट बुक करके वेट। देखो पित्रोदा सर, आपके लिए भी और सबके लिए भी, जो नियर टर्म ट्रेडर है, जो नियर टर्म BTST इन्वेस्टर है, जो नियर टर्म, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन सोचते शॉर्ट टर्म ट्रेडर की तरह हैं, उन सबके लिए एक ही राय है कि आपको कैपिटल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कैपिटल निकाल लीजिए। ये मैं आज से नहीं, पिछले कई दिन से बात बोल रहा हूँ कि पैसा मिल रहा है, आप कैपिटल निकालते चलिए। इसलिए नहीं कि बाजार में कोई फॉल आ गया, ख़राब हो गई सिचुएशन, नहीं, इसलिए कि आप लोगों को फॉल से ना वो लगेगा कि फॉल आ गया, मेरा प्रॉफिट चला गया। सो प्रॉफिट चला गया तो वापस आ जाएगा, वो कहीं नहीं भाग रहा, बाजार है तो, मतलब आप ऐसे समझो कि एक दिन के भाव से या 30 रुपये के रिलायंस के भाव नीचे गिरने से ये नहीं हो जाता ना कि रिलायंस का कामकाज बंद हो जाए, कामकाज तो चल ही रहा है आज भी, वैसे ही चल रहा है सब कुछ, बट मार्केट है, ठीक है, कभी तेज़ी कभी मंदी दिखाता रहता है। सो इंट्राडे मूवमेंट्स तो रहेंगे ही मार्केट में, लेकिन जिनको भी इन मूवमेंट्स में थोड़ा भी चैलेंज होता है, भाव देख के उनको घबराहट होती है, तो उनके लिए यही था कि आप थोड़ा ऊपर में आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल जाओ। लाइकवाइज आपके डाबर के केस में कंपनी अच्छी है, नंबर इस बार के थोड़े से धीरे ज़रूर रहे लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है, आप समय दे सकते हो तो बने रहो, समय नहीं दे सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए, तो जो कैपिटल है वो निकाल लो, फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव है तो यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है आमतौर पर। ओके, HDFC लाइफ बाय फॉर लॉन्ग टर्म। पटेल साहब देखो, वैसे तो ये कंपनी ठीक है बट स्टॉक चलता नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखूंगा उठा के तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया नहीं है,
अपने कई सालों की परफॉर्मेंस में भी। सो है ये कंपनी अच्छी, बट स्टॉक में कोई खास रिएक्शन नहीं है, इसलिए आपका पेशेंस बहुत लंबा ले जाएगा। ये उस चीज़ के लिए अगर आप तैयार हो तो आप एंटर कर सकते हो, बट SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल सीम्स बेटर, तो उनको आप एक बार को देखो पहले। सुमित जी प्लीज शेयर व्यू ऑन जिंदल स्टेनलेस, GHCL एंड Jio फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। आदि सर देखो, दोनों GHCL जिंदल स्टेनलेस दोनों मोमेंटम के लिए, और Jio ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, सो थोड़ा कूल ऑफ तो बनता है इन तीनों ही शेयरों में। अब आप आज ही का एक नंबर देख रहा था मैं, 21% एक साल में चला है निफ्टी, आज से लेके ठीक एक साल पहले तक, आज से लेके ठीक एक साल पहले तक 52% चला है मिड कैप और करीब करीब 70% चला है स्मॉल कैप। इस तरह की तेजी के बाद अगर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो कहाँ ही आएगी। आप कहोगे प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा, तो आपका चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन इंडेक्स तो चला ही है ना, ये फैक्ट है। सो उस फैक्ट में कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आनी है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो। आप ऊपर के एंड लेवल पर फंस गए तो थोड़ा क्या कर सकते हैं, बट या तो आप पेशेंटली और पोजिशन ऐड करो कंसीडरिंग कि आप उसमें बाय देख रहे हो, और या अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो यहाँ से निकलो, ब्रूटली लॉस बुक करो इधर और अपना कैपिटल लेके निकलो, या प्रॉफिट बुक करके निकलो, वो जैसी आपकी सिचुएशन हो। बट मार्केट के केस में नियर टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपको मिलनी ही गई। चुनाव तक या 4 तारीख तक जब तक आउटकम नहीं आता, इनफैक्ट 6 तारीख तक ही मान लो आप मोटा मोटा, जब तक आउटकम आके स्टेबल नहीं होता तब तक बाजार ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज एक जानकार मुझसे कह भी रहे थे कि सबको लग रहा था कि 400 सीट्स आएंगी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की, कुछ लोग बोल रहे हैं 350 आएंगी, 320 आएंगी, 300 आएंगी, ये नहीं आ रहा इसलिए बाजार स्केप्टिकल हो रहा है। सर एंड ऑफ द डे ना 273 भी आ गए तो भी सरकार वही बनेगी। सो आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए 273 ही है, अगर वो मिल गया उसके ऊपर का जो नंबर है वो एक बार को वोलेटिलिटी दिखा सकता है, एक डिप दिखा सकता है, अनुमान से नीचे का नंबर बोल के उसको आप गिरावट दिखा सकते हो, लेकिन 273 इज मोर देन इनफ। सरकार अगर वही आ गई तो फिर वही सिचुएशन है, वही सब कुछ है। सो एज ऑफ नाउ आप नियर टर्म वोलेटिलिटी से अगर घबरा रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है इस समय निफ्टी ETF में हिस्सा कर लेने का, पोजीशन बनाने का, पैसा डालने का। निफ्टी ETF, निफ्टी IT ETF, निफ्टी बैंक ETF, मिड कैप ETF, मिड स्मॉल ETF, SBI के जितने ETFs हैं उन सब का इस्तेमाल करिए। पोजीशन में बल्क में आप वहाँ पैसा डालिए, एक बड़े बड़े चंक्स में डालिए, यानी अगर 100 डालना है तो 20 20 20 25 25 25 ऐसे करके 4 लॉट्स में आप पैसा डालना शुरू करिए, और बढ़िया इस गिरावट का फ़ायदा उठा के ऐड करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ यू नो वरिंग अबाउट द पोजीशन एग्जिस्टिंग पोजीशंस। मार्केट क्या 19,000 आ जाएगा, मतलब मुझे नहीं पता सर, मतलब चंद्रा साहब आई डोंट नो कि ये नंबर कहाँ जाके रुकेगा, 22,000 होगा, 21,000 होगा, 19,000 होगा, ना मतलब मेरे को इतना फ्यूचर दिखता है। बट मैं यही कह सकता हूँ कि मार्केट जहाँ भी जाए, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो आपके पास वही दिन आने लग गए जब आपको पोजीशन ऐड करनी थी। जब आपको तेज़ी मिलती है तो आपको पैसा निकालना है, जब आपको मंदी मिलती है तो आपको पैसा डालना है, ये सिचुएशंस होती है मार्केट में। आज अगर बाजार नीचे श्रिंक कर भी रहा है, 19,000 आ या 18,000 या 15,000 या 14,000 भी आ जाए, तो आप आराम आराम से SIP में पोजीशन लेते रहो ना, और क्वालिटी लार्ज कैप इधर, क्वालिटी ETFs इधर, क्वालिटी फंड इवन, तो आपको जो इक्विटी बेस्ड स्टफ अच्छा दिख रहा है उनको आप ऐड करिए। ऊपर के लेवल पे फिर जब तेज़ी आएगी फिर आप पूछोगे कि यहाँ ले लें वहाँ ले लें, भाग कर चीज़ लेने के लिए सब तैयार होते हैं, गिरती हुई चीज़ को लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सो ये मैंने बोला ना पहले ही मिनट बोला था कि बाजार में फॉल आया 1.5% का, ये पिछले 10 साल का 106वां सबसे बड़ा फॉल है। बाजार इससे पहले 105 बार इससे बड़े बड़े फॉल देख चुका है। सो मार्केट में फॉल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वोलेटिलिटी बनी रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सिचुएशन यू नोज इट गोज ऑन अर्निंग। अच्छी अर्निंग है तो बाजार वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। सर अदानी ट्रांसमिशन से क्या करें, 850 से प्राइस पे रहें, 870 है। अगेन सर 760-740 आपका स्टॉप लॉस है, होल्ड करिए उसके हिसाब से। थोड़ा सा वोलेटाइल ज़रूर है, अगर 760 निकल गया तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं निकला तो फिर आप मतलब वापस कम बैक हो जाएगा। अगर बाजार में कल परसों में कुछ भी रिवर्सल आ गया, छोटा मोटा भी रिवर्सल आ गया, तो ये सारे शेयर वापस खड़े हो जाएंगे ऊपर। सो आप अकॉर्डिंगली काम कीजिए, ऐसा कोई पैनिक स्टेट है मार्केट में नहीं आ गया है। आइडिया बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करें, कर सकते हो रस्तोगी सर, 11 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। 11 रुपये वो दाम है जो FPO का दाम था, क्योंकि FPO के दाम से आपको बैकअप मिला रहेगा, इसलिए आज भी आइडिया टूट नहीं रहा था, क्योंकि उसको FPO का बैकअप है ना, नीचे के दाम 11 रुपये पे सबको शेयर अलॉटेड है, सो वो आपके लिए एक बैकअप के तौर पर काम काज कर रहा है, तो उसको आप आधार मान सकते हैं। ओके okay,
एक सवाल किसी ने पूछा था, सर प्लीज यू गिव व्यू ऑन SBI, HCL एंड टाटा पावर. ITC यू कैन होल्ड, ऋषिका जी यू कैन ऐड, SBI यू कैन होल्ड, यू कैन ऐड, अच्छे नंबर हैं SBI के. HCL केस में इफ़ यू हैव प्रॉफिट यू कैन टेक सम प्रॉफिट एटलीस्ट आउट ऑफ इट. और टाटा पावर केस में यू कैन होल्ड, आप ऐड करो या ना करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि नंबर उनके उतने खराब नहीं, मार्जिन में प्रेशर है इस क्वार्टर में, लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक है, कैपेसिटी एडिशन है वहाँ पर भी. सो टाइम लेगा, लेकिन टाटा पावर कैन कम बैक. बाकी दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, SBI और ITC स्लो मूवर्स हैं बट दे आर क्वालिटी कंपनीज. सर मार्केट डाउन था, ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पाया. अदानी इंटरप्राइज में पूरी सेविंग कर दूं क्या? पूरी सेविंग लाइफ में कभी भी किसी स्टॉक में मत लगाना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्रमोटर खुद बोल दे आपको आके कि मैं बोल रहा हूँ पैसा डाल दो, नहीं, तब भी नहीं, पूरी सेविंग कभी मत लगाना अनटिलस ऊपर वाला ही उतर के नीचे आके कह दे आपको. क्योंकि मार्केट है सर, मार्केट इज सुप्रीम, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इज गोइंग टू हैपन और हाउ मच इज गोइंग टू हैपन. सो हम सब बस बेट कर सकते हैं कि ये बेटर होगा, ये नहीं कह सकते कि ये बेटर होगा. आप पूरी हो, अगर सेविंग लगाने के मूड में हो तो ऐसी गलती कभी मत करना, चाहे कुछ हो जाए. पूरी सेविंग मतलब आपको सेविंग रखनी है अपने पास, और कभी उधार लेके पैसा मत डालना कि लग रहा है कि बहुत नीचे आ गया उधार लेके डाल दूँ, ये गलतियाँ कभी मत करना. दो की एक अपनी सारी सेविंग लगा दी और दूसरा कि अपना उधार लेके पैसा डाल दे, ये दो काम मतलब दे आर द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू इन योर मार्केट, इन मार्केट. तो एटलीस्ट ये मत करना, अपनी सेविंग रखिए, अपना काम करिए, बाजार अपनी चाल चल रहा है, इल कम बैक वेरी स्ट्रांगली, इल कम बैक वेरी ईजिली. पहले भी ऐसे फॉल आए हैं 16,000 पे, 17,000 पे, 18,000 पे, 19,000 पे, एंड लाइक वाइज वी आर एट 23,000. तो ये 24,000 पे प्रॉफिट टेकिंग आनी है, ठीक है, नया ऑल टाइम हाई कटा, प्रॉफिट आ गया, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग रहेगा, लेकिन इल कम बैक. सो पैनिक रहेगा कुछ दिन तक, फॉल रहेगा कुछ दिन तक, होता है ना डार्क क्लाउड्स कम, बहुत डरावने लगते हैं, थंडर होता है, यू नो, एंड यू नो बिजली बादल गरजता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए होता है. बारिश हमेशा 3 से 4 ही महीने रहती है, पूरे साल नहीं रहती ना. इसीलिए बैड टाइम कम, वेरी डार्क टाइम कम्स, बहुत डरावना लगता है, ज़रूर है गिरते टाइम, लेकिन बिलीव मी बहुत दिन तक रहेगा नहीं, इल कम बैक. सो बाय गुड स्टॉक, बाय क्वालिटी स्टॉक, बाय ETFs, बाय यू नो होल्ड ETFs. इफ़ इन केस आप कुछ नहीं कर सकते तो समय खरीदिए, मतलब टाइम बाय करिए और होल्ड करिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इन दिस मार्केट. चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा. आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे आज, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Insta सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और फिर से एक बार, ये बाज़ार में 106वीं सबसे बड़ी गिरावट है, ठीक है, सबसे बड़ी गिरावट नहीं है एटलीस्ट. सो कीप काम, एटलीस्ट कीप काम. इसी के साथ अब मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार.